हेलो गाइस वेलकम बैक दिस साइड संजीव पांडे आप देख रहे हो एडियो एप और यहां पर बच्चे सोच रहे होंगे सर बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस क्या बात है तो भाई एग्जाम जो है पास आने वाला है ठीक है फेब में एग्जाम है इस बार और बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और अगर आप नहीं समझोगे तो हम हैं आपको जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए सो so यहां पर आ, यहां पर हम आज बात करने वाले हैं सैंपल पेपर के कुछ दस सीक्रेट्स की ठीक है अब ये सीक्रेट कोई खुफिया सीक्रेट ऐसा नहीं है पेपर के अंदर ही होता है थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होता है देन यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है अब मैं टेंथ क्लास के स्पेसिफिकली टेंथ के हिसाब से बात करूं टेंथ सी बी एस ठीक है जो भी हाल ही में दो चार दिन पहले जो पेपर सीबीएस ने रिलीज किया फॉर दी बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी टू ट्वेंटी जो अभी आने वाला है ठीक है और इसमें हमने चाहे हमने हर सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशंस है वो दे दिया एनालिसिस कर दिया अब ये जो वीडियो है ये सबसे खास इसलिए होने वाले है कि यहां पर मैं एक तरीके से पोस्टमार्टम करने वाला हूं मतलब ना ये विथ माय एक्सपीरियंस अब तक के मतलब लगभग लगभग 12 साल 13 साल के पैटर्न को देखते हुए सीबीएसई के ट्रेंड को देखते हुए ये हम इस चीज को बता पाते हैं ठीक है और भी ऐसे कई टीचर्स होंगे जिनके पास एक वो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू ये कर पाते हैं ठीक है क्या करना है या क्या होगा इस वीडियो में वो मैं आपको बता ही देता चलो ठीक है तो बेसिकली अब आपको ये तो समझ में आ गया सैंपल पेपर कैसा है ठीक है कितना कॉम्पिटेंसी लेवल को अप किया गया वो भी समझ में आ रहा है लेकिन उसके लिए स्टेप्स क्या लेने हैं ठीक है या एग्जैक्टली exactly, क्या क्या चीजें इसके थ्रू हम समझ सकते कहा मेहनत करनी है तो लेट सी लेट सी विदाउट वेस्टिंग टाइम में यहां पर शुरू करता हूं अपने पहले पॉइंट के साथ भाई पेपर को देखते हुए ये समझ में आया देखो मैं ना नॉर्मली मैंने सारे सब्जेक्ट का पेपर देख लिया है ठीक है आप क्या करना एक सब्जेक्ट को फ्रेम में बना लो फ्रेम में सेट कर लो एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड तो मैं मान लो कि आप साइंस को सेट कर लो फ्रेम में टेंथ साइंस के पेपर को और उसके हिसाब से आप समझो कि अगर आपने पेपर देखा होगा तो पेपर जो है लेंदी है ठीक है अब लेंदी इवन uh, मैथ्स वाले में भी राइट सर ने भी यही चीज कही है ठीक है और अपने वाले में भी वही अपन ने देखा कि पेपर जो है लेंदी है क्यों लेंदी है क्योंकि अब क्या है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए हैं जो हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बोलते हैं भाई पिक्चर्स दे, देख के इमेज को देख के लेबलिंग को देख के दो चार कंसेप्ट को मिला के दो चार जगहों से चीजों को मिला के और जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वहां पर दिमाग खर्च होता है तुरंत क्वेश्चन देख के आंसर नहीं आएगा एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा यू हैव टू गो थ्रू तो यहां पर क्या होगा कि इट विल टेक योर टाइम ठीक है ना पेपर लेंदी होगा इसका सीधा बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा बहुत सारा मॉक टेस्ट या एग्जाम या सेल्फ एग्जाम जो है वो देना होगा लेटेस्ट क्वेश्चन के थ्रू ठीक है तो ये उसका उपाय होगा कि भाई आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत जरूरी होगा लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में ओके आगे चलते हैं पासिंग इज इजी बट स्कोरिंग विल बी डिफिकल्ट 40 तो इजीली मिलेंगे मतलब 80 नंबर का पेपर है ना तो आपने खुद देखा कि इट इज नॉट टफ देखो एमसीक्यू आपका वो बीस नंबर का हो जाता है वन मतलब टू मार्कर को आप मिलाओ तो लगभग बारह नंबर के वो हो जा रहे हैं मतलब टेन साइंस की अगर बात करें ऐसे लगभग बाकी सब्जेक्ट का पैटर्न है तो आप मिला जुला के देखो ना तो चालीस नंबर के आसपास तक मिल जाते हैं मतलब सीबीएसई का हमेशा से ये रहा है कि बच्चों को फेल नहीं करना है तो पास तो सब हो जाएंगे मेजोरिटी हो जाएंगे अब कुछ नहीं कोई करेगा तो बात ही अलग है लेकिन इसमें स्कोर करना जो है ना मतलब जब आप 80 में से 80 की बात कर रहे हो 80 में से मतलब 79 की बात करो 78 की बात करो यहां पर एफर्ट लगेगा इस वाले में एफर्ट लगेगा तो आपको ये बात समझनी होगी कि भाई जो लोग भी अभी दौड़ लगाएंगे रेस लगाएंगे पढ़ेंगे वो सिर्फ इसलिए होगा कि भाई एकदम कट टू कट एकदम फुल ऑन मार्क्स लाना है यार ठीक है तो वो जब करना होगा ना तो यू हैव टू डू वर्क क्या करना पड़ेगा वर्क में सर आइए देखते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए विल बी गेम चेंजर ठीक है हमने जो अब अगेन साइंस का पेपर को फ्रेम में रखा है आपने उसके हिसाब से आप समझ रहे हो तो अगर आपने देखा होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन ठीक है और भी जो कुछ सवाल थे ठीक है लॉन्ग आंसर में Uh, मतलब केस बेस वाले में लास्ट वाले में केस बेस वाले में और फोर और फाइव मार्क वाले में यहीं पर आपका जो पूरा uh, खेल है ना मतलब थ्री और फाइव मार्क वाले में ये चीज है ना अगर आपने अच्छे से इधर कवर कर लिया एंड वाले पार्ट में अंतिम वाले सेक्शंस में तो आपका जो शुरुआती पार्ट है वो इतना मुश्किल या इतना परेशान नहीं करेगा जो मेहनत करनी है ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए करनी होगी जो कि uh, पसीने छुड़वा देने वाले और ये आपने देखा कि इस बार कौन से वाले सेक्शन में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हालांकि सेक्शन एमसीक्यू वाले पार्ट में भी इतने uh, ऐसे आए थे है, पर uh, मतलब दिस विल बी गेम चेंजर आप ये ध्यान रखना कि ज्यादा नंबर कैरी कर रहा होगा और वहां पर एक भी अटका तो पूरा अटक जाएगा एक्स्ट्रा मटेरियल्स मतलब वन मार्क और टू मार्क वाले में ना फिर भी दिमाग लग जाता है फिर वो बड़े वाले में आपका अटकता है वहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल्स लाइक लैब मैनुअल एक्टिविटी वाला जो पार्ट है टेक्स बुक में से ठीक है एनसीआरटी एग्जैंपलर ये सब चीजों को आपको जो है कवर करना ही होगा NCRT का दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो बनने वाला तो ये ये आपको इन सब को प्रॉपरली करना होगा लैब मैनुअल का एक्सपेरिमेंट्स का हो या एक्टिविटी वाला पार्ट का हो या एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस को को ये सब चीजों अच्छे से करना होगा इसके अलावा और क्या करना है सर मतलब एज पर द्यूज जो भी अभी इस बार पेपर में दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि इस बार इसको स्किप नहीं कर मतलब अगर यू आर प्लानिंग टू गेट अबाउ सिक्सटी फाइव आउट ऑफ एटी तो भाई लगेगा मेहनत क्वेश्चन फ्रेमड मिक्सिंग डिफरेंट पार्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट यहां पर क्या मतलब है, है? तो मैं अपने हिसाब से लिखा ठीक है तो यहां पर इसका मतलब ये है कि आपने अगर वो वाला क्वेश्चन देखा होगा टेंथ मतलब इसमें ही कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो दिया है एक एसिडिक ऑक्साइड एक्सिडिक गैस कौन सा है एक वाटर uh, प्यूरिफिकेशन में कौन सा तो बेसिकली आप वो देखो तो वो कोई एक पार्ट से किसी एक जगह से आंसर क्वेश्चन नहीं है वो वो मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे जो मर्जिंग वाले क्वेश्चन है ना वहां पर और उसको भी आंसर करने में आपको अगर देखोगे तो वो डी वाले फॉर्मेट में कंफ्यूज हो गए एक और डायग्राम वाला दिया था वो ट्रॉपिज्म वाला वहां पर डायग्राम में ए बी सी डी अलग है और आंसर में ए बी सी डी कौन सा वाला है वो अलग है तो अगर आप ढंग से क्वेश्चन और आंसर को उसमें नहीं एनालाइज कर पा रहे हो तो गड़बड़ होगी बोलने का मतलब यहां पर इस वाले में पॉइंट ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई उसमें भी टाइम एनर्जी अगेन जाने वाला है और इसके लिए क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक का हर एक कोने को एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा हर एक कोने को ब, 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 बोलता ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वो करनी होगी अगर कर वो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जा सकता है भाई तो वो नहीं करने देना अपने को अच्छा टेक्स्ट बुक के कॉर्नर की बात हो रही है तो सारे पिक्चर्स जितने भी इमेजेस दिए हैं जितने भी डायग्राम्स दिए हैं जितने भी लेबलिंग दिए हैं जितने भी टेबल्स दिए हैं ठीक है टेक्स्ट बुक में वो सारे के सारे तुमको पढ़ने हैं

ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वैसे दिया है कुछ चीजें कि हाँ आपको आउट ऑफ दी बॉक्स मतलब वो वाला जो टेबल में दिया हुआ है वो नहीं आएगा एग्जाम में पर वो नहीं आएगा क्या नहीं आएगा उसमें से वैल्यूज आपको रटने नहीं है उसको ऐसे पूछा नहीं जाएगा वॉट इज अक्टिव डायमंडस हो लेकिन उसको टेबल देके और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी तैयारी आपको पढ़ के और वो रेफर करके होगी फ्यू क्वेश्चन आर सुपर ट्विस्टेड ठीक है रीड क्वेश्चन प्रॉपर ट्वाइस थ्राइस एंड आंसर केयरफुली इवन एन एमसी उसमें अगेन मैंने बताया कि कुछ सवाल ऐसे दिए हैं जो भले इजी हैं पर पूछने का तरीका ऐसे कर दिया है क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है वो आपका इंप्लीमेंटेशन चेक कर रहा है वो आपका एप्लीकेटिव लेवल चेक कर रहा है तो वो सीधे नहीं पूछेगा भाई डिफाइन दिस या स्टेट दिस वो कुछ और तरीके से पूछ रहा है स्टेट द लॉ अबाउट द हीटिंग समथिंग ऐसे कुछ पूछेगा इन द इलेक्ट्रिसिटी या इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो वो हमेशा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा है वैसे तो सीबीएसई करता रहा है हमेशा से पर इस बार जो जो तरीका है वो और अप्रोच बदला है और इसके लिए आपको जरूरी है कि क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ो और फट से आंसर कर दिया और एक्साइटमेंट में गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन को दो बार तीन बार अच्छे से पढ़ो ध्यान से पढ़ो आंसर करने के टाइम भी केयरफुली देखो कि भाई ऑप्शन क्या दिया है या तुमको एक्जैक्टली exactly कौन से थीम में आंसर करना है कौन सी पॉइंट को करना है वो सोच के आंसर करो ठीक है इवन इन द एमसीक्यू है वन मार्कर ठीक है आगे एडिशनल कॉन्सेप्ट ठीक है एडिशनल कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं अगर आपने देखा होगा तो आ, साइंस में अगर बात करें तो हीटिंग है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या होगा रेजिस्टेंस क्या होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हालांकि हमने वो डायरेक्टली अगर देखे तो टेंथ के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं दिया टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला नहीं है पर वो पूछे गए तो देर आर स्टिल ऐसे नहीं कि बहुत उन्नीस एकदम उन्नीस इक्कीस पूछा ऐसा नहीं है एक माइन्यूट लेवल वन ऊपर पूछा गया है पर वो तैयारी आपको उतना एक्सेप्टेड है कि भाई वो सीबीएसई में हो उतना तैयारी आपको करना है तो सर जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैनुअल्स आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे काफी कुछ हो जाता है बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है क्योंकि अभी जैसे हम लोग एडी बुक में जब मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोगों का जो एडी बुक है डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो काफी बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है तो उसमें जो हमने रियल लाइफ क्वेश्चन डाले थे कई कई लोगों का ये कहना था कि यार ये क्या बात है रियल लाइफ क्वेश्चन में आपने क्यों डाला है क्या मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं है पर इस बार जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन आया और रूम के अंदर वो रेजिस्टेंस वाला तो वो चीज क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली exactly हम क्या किस बारे में बात कर रहे थे ठीक exactly है है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जैक्टली क्या सो न्यू टाइप के को आपको प्रैक्टिस करना दिस इज मैंडेटरी ये बहुत जरूरी है मतलब ये नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होगी तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सोर्स है किस तरीके से कर सकते हो तो नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ऐसा नहीं कि ऑडियो बुक से ही तुमको करना है बट You have to do it guys. है। अगला है समटाइम्स यू मे फील ये क्वेश्चन नहीं आता हाँ ऐसे भी होगा इतना पढ़ने के बाद भी एग्जाम में बोर्ड में मतलब जब, जब जाओगे एग्जाम में तो हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के लगे अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आता पर फिर भी क्वेश्चन को पूरा केयरफुल कर लगाता है केयरफुली पढ़ना है यू विल गेट दी हिंट टू सॉल्व लगेगा क्वेश्चन देखियो अरे जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही अगेन में बोलता हूँ देख के लगता अरे यार क्या ये तो क्या ही अ, अगड़म बगड़म चीज दी है पर उसको जब ध्यान से पढ़ो गेट बच्चों को आया वो चीज सॉल्व करने को तो ऐसा स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को देख के या डायग्राम को देख के या पिक्चर को देख के ऐसा नहीं करना यू हैव टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली और पढ़ो एक बार ध्यान से अपने आप वो हिंट या कहीं ना कहीं वो लॉजिक क्लिक क्लिक कर जाएगी गेट द आंसर ठीक है आगे लास्टली यही बोलूंगा भाई डरना मना है जो डर गया वो घर गया ठीक है सब आएगा जस्ट फोकस ऑन प्रॉपर इनडेप्थ रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ लेटेस्ट क्वेश्चन करते रहो ठीक है और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हम है यहां पर करेंगे भरपूर रिवीजन ठीक है और साथ में बस मैं वही बोल रहा हूँ यू हैव टू डू इन इनडेप्थ डिविजन डिविजन बोलो रिविजन और लेटेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ठीक है इन इनडेप्थ रिविजन यही है कि जो आप पढ़ पढ़ रहे रहे हो हो ऊपर ऊपर से से मत पढ़ो ठीक है ध्यान टेक्स्ट बुक को जब जब कोई पढ़ रहे हो, तो उसको अच्छे से पढ़ो उसकी मीनिंग को समझो कि भाई क्या इससे क्या आउटपुट निकल सकता है उस तरीके से आप पढ़ाई करो ठीक है इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं आई होप ये दस पॉइंट्स आपके आ जाएंगे बहुत सारे काम में ठीक है बाय बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट